नमस्कार दोस्तों, हमेशा देखा जाता है कि मीन राशि वाले बहुत ज्यादा दुर्भाग्य से घिरे रहते हैं। हमेशा इनकी यह सफलता मिलती रहती है, चाहे वह पढ़ाई हो चाहे फिर वह कैरियर हो। हमेशा वह फोकस तो एक जगह पर रखते हैं लेकिन उनका कैरियर ठीक से नहीं बन पाता है। हमेशा काम तो करते हैं लेकिन उस काम का उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। यदि मीन राशि वालों का हमेशा यही हाल रहता है और चाहते हैं कि वह सौभाग्य को प्राप्त करें तो उसके लिए जरूरी है कि गणेश भगवान यानी कि हरिद्रा गणेश भगवान की ही पूजा करें। यदि आप अपने घर पर चाहते हैं कि शुभ समाचार मिले, आपके कैरियर में आपकी बढ़ोतरी हो या फिर आपके प्रमोशन को लेकर यदि आप चिंता कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन में भी आपका प्रमोशन बढ़ जाए तो उसके लिए जरूरी है कि हरिद्रा भगवान गणेश की ही प्रतिमा लेकर आए और हरिद्रा भगवान गणेश की पूजा करें, आराधना करें और साथ के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता ही मिलती रहे और आपको दुर्भाग्य का सामना ना करना पड़े तो उसके लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। और मंत्र 108 बार कर सकते हैं आप कहीं भी बैठकर करें और वैसे पॉसिबल हो तो किसी मंदिर में जाकर भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं ताकि आपके आसपास का माहौल सकारात्मक रहे और जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी ना रहे। जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य अच्छे से बने और सफलता ही मिलती रहे तो हरिद्रा गणेश भगवान की ही पूजा करें और अपने नियम को बनाए रखें, क्योंकि जो मीन राशि वाले होते हैं वह हमेशा अपने नियमों को तोड़ देते हैं। कहते तो हैं लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि आप ठान रहे हैं या फिर भगवान गणेश की पूजा करने की सोच रहे हैं तो अपने नियम को अपने दिमाग पे और दिलो दिमाग पर अच्छे से बिठा लें ताकि आपकी भूल चूक आप पर भारी ना पड़े। तो ये है मीन राशि वालों के लिए भगवान गणेश की किस प्रतिमा की पूजा करनी है और किस मंत्र का उच्चारण करना है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।